बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी पांचवा दिन है और यहाँ पर माशाल्लाह से तमाम तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। उनाद लखानी साहब भी 24 घंटे इन्वॉल्व हैं, तमाम लोग इन्वॉल्व हैं और अभी कल से अब तमाम मशीनों की फिटिंग शुरू हो जाएगी सुबह से। और उनाद भाई से पूछते हैं क्या चल रहा है। उनाद भाई, लोगों को बताएंगे सर कि क्या तैयारियाँ सब चल रही हैं और इस वक्त यहाँ रात को इस पैर क्या मीटिंग चल रही है। माशाल्लाह से हॉस्पिटल तकरीबन तैयार है, सिर्फ नेगेटिव प्रेशर जो है उसके ऊपर काम करें। इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है ये ज़रूरी है कि जो भी इन्फेक्शन है, जो भी वायरसेस हैं या बैक्टीरियाज हैं, उनको बाहर जाने से पहले किल कर दिया जाए और रोटेशन से पहले किसी और को लगने से पहले किल कर दिया जाए। उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फिल्टर्स की, यूवी लाइट्स की, वो उसके अंदर होंगी उसकी मशीनरी के अंदर। और ऑक्सीजन जो है उसका हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो आ गए, लेकिन हम इधर आज फैसला ये किया है कि प्लांट लगा लेंगे ताकि अगर ज़्यादा पेशेंट्स भी हों और ज़्यादा टाइम भी रुक रहे हों तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा साइमल्टेनियसली। मैं कॉल करूँ दो जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी तेज पैक के हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टीम है। हुनैद भाई दिन रात एक कर रहे हैं और ज़फ़र भाई और ये हमारी टीम बैठी है, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं। और रिकॉर्ड टाइम में हमने बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कम्प्लीट हो गई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कोविड मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उसको भी एड्रेस कर रहे हैं इंशाल्लाह। जैसा इनिशियल वीडियो में हुनैद भाई ने और ज़फ़र भाई ने कहा था कि 10 दिन का हमने टाइम आउट लिया था, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली हम उस जगह पहुंचेंगे कि जहां पे हम किसी फेज़ में होंगे, पेशेंट्स को कोई सर्विस मोड ऑफ डिलीवरी डेली उनको कन्वे कर रहे होंगे। तो ये हमारा सबसे पहला टारगेट है इंशाल्लाह, और बेहतरीन काम होगा। और दूसरी बात, मैं इस फोरम से ये कहना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर्स का, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बेहतरीन रिस्पांस दिया है और बड़े अज़म और वलवले के साथ आए, वॉलंटियरली भी बात की। और हमारी तरफ से भी ये है कि हम जो वो टाइम यहाँ देंगे, जो उनकी एक्सपर्टीज़ होगी, उनको उनका बेहतरीन हक़ ज़हमत हम उनको अदा करेंगे इंशाल्लाह। और मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि बड़ी डेडिकेशन के साथ निकल कर आए हैं, और शहर कराची के लोगों ने एक बार फिर साबित किया है कि वो इस अज़म में सबसे आगे हैं। और ये पहला पाकिस्तान का कोरोना फ्री हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं, जो कॉस्ट में भी फ्री होगा और इंशाल्लाह बेहतरीन सर्विसेज रेंडर करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तो मीटिंग का सिलसिला जारी है, तमाम डॉक्टर्स लगे हुए, एमएस फाइनल हो गए। हुनैद भाई एमएस से आपका बता दें, आज माशाल्लाह से एमएस भी फाइनलाइज हो गए, उन्होंने आज से स्टार्ट कर दिया है, कल से आ भी जाएंगे। सो इज़ वेरी एक्सपीरियंस एमएस, तीन चार हॉस्पिटल में पहले एमएस कर चुके हैं। सो इंशाल्लाह कल से वो यहाँ पर हो गए। बहुत शुक्रिया, आई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत स्पीड में काम चल रहा है सारा, और ये जगह पूरी जो आप लोगों ने देखी थी, ये पूरी जगह इमरजेंसी जो है ये रेडी हो चुकी है। बस यहाँ पर अब खाली पेशेंट्स के बेड खुल, ये सारी जगह, ये इसके अलावा ये रेड जोन बनाया जा रहा है, लाइटें जलाओ अंदर की मैडम, ये सारा इसके ऊपर काम चल रहा है। और मशीनें भी यहाँ सब लगेंगी। और हुनैद भाई, मैं कह रहा हूँ लोगों को ज़रा दिखाया जाए ना कि क्या करा, मतलब मौजदाती तौर पे और कितनी स्पीड में काम हो रहा है, ये हैरत अंगेज तौर पे देखें। तो ये रेडियोलॉजी है, ये कंप्लीट हो चुकी है, अंदर एक्सरे मशीन लग गई है माशाल्लाह, दिखा रहे सर लोगों को। हाँ, एक्सरे मशीन के शायद कैमरा लॉक होगा अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए ये सब वो फर्श है जो दो दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, यहाँ टाइल वाइल कुछ नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये रेडियोलॉजी एक्सरे मशीन इसमें है। इधर लेड फ्लोरिंग, लेड वॉल के ऊपर जो इसकी ट्रीटमेंट होता है वो हो चुका है, रेज को रोकने के लिए, रेज जो है बाहर ना जाए। बाकी ये पूरी रेडियोलॉजी भी कंप्लीट है, इंशाल्लाह यहाँ पे एक दिन दो दिन के अंदर कंफर्म हो जाएगी। देखिए बहुत कम, मैं समझता हूँ उन्हें सब, ये दुनिया में एक हैरत अंगेज प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है इस वक्त। देखिए ना माशाल्लाह से आज रात के वक्त भी सारे लोग लगे हुए काम कर रहे हैं, 24 घंटे लगे बस स्टाफ। देखिए ऊपर वाले फ्लोर पे भी काम शुरू हो चुका है, ऊपर भी मेरे पूरा फिनिश हो गया है। ऊपर कितने 200 मरीज आ जाएंगे इंशाल्लाह, ऊपर 100 मरीजों की जगह है, 100 3 जनरल वार्ड्स माशाल्लाह। देखिए भाई काम की स्पीड आप देख सकते हैं। अच्छा एचडीयू में भी शीशे लग गए सब माशाल्लाह, ये देखें सब, ये शीशे का काम भी पूरा मुकम्मल हो चुका है।
ये यहाँ पे वो एंटर होंगे, फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर है, फिर एचडीयू, एचडीयू के बाद आईसीयू। वाह, आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड चेक करें आप, ऐसा लग रहा है कि इसका सारा इक्विपमेंट जो है वो आ चुका है माशाल्लाह से। एवरीथिंग इज हियर, बस सिर्फ इसको स्टार्ट करना है। आईसीयू में भी सारे एयर सर्कुलेशन सिस्टम, कर्टन वगैरह सारी चीज़ें आ गई है, बस नेगेटिव प्रेशर का एक बार काम हो जाए तो हमारा काम पूरा है माशाल्लाह। तानियल पकड़े, देखें मैं आइए होना भी, मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा देखने वाले लोगों से कि पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि कोई प्राइवेट अस्पताल जो पाकिस्तान कराची में जो सबसे टॉप अस्पताल इसको आप बोला जाए प्राइवेट, उससे भी हैवी आपको यहाँ पर निज़ाम नज़र आएगा। सारी मशीनें बहुत महंगी खरीदी जा रही हैं, जिन मशीनों का तस्करा आपसे भी डॉक्टर उनैद भाई ने किया है वो लाखों करोड़ों रुपए के अखराजात हैं जो हो रहे हैं और पानी की तरह पैसा जा रहा है। कैसे मुमकिन था कि खाली बिल्डिंग दो रातों के अंदर पूरा अस्पताल में तब्दील हो जाए? और मैं इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की तरफ से उनैद भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, और ये कराची वालों पर आपका एहसान है, सिंध वालों पर, पाकिस्तान वालों पर, कि इस मुश्किल घड़ी में जब लोग कमा रहे हैं एक एक रात में एक एक लाख रुपए लोगों से मांग रहे हैं, नहीं तो कह रहे हैं मर जाए तुम्हारा मरीज, हमें इससे कोई फर्ज नहीं, तो बहुत ही बड़े स्टैंडर्ड का अस्पताल और बहुत बड़ा एक काम होने जा रहा है, अपनी दुआओं में याद रखें। क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं कहूँगा असल कमाई तो हम लोग करने निकले हैं, ये लोग जो हैं ये गुमराही में जो समझ रहे हैं कि वो कमा रहे हैं, जो समझ रहे हैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसके अंदर पैसा बनाना है, ये वक्त पैसा बनाने का नहीं है, ये वक्त आगे बढ़कर अपने लोगों का, अपने गरीबों का ख्याल रखने का, और हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। हर आदमी को जिसमें जो बेशक कोई माली इमदाद ना कर सके, अपने वक्त के साथ एज ए वॉलंटियर कर सके, कोई टेक्निकल काम नहीं कर सकता तो कोई नॉन टेक्निकल काम में हेल्प करे, मदद करे, और इस वक्त हमें हर कमज़ोर का, हर गरीब का हाथ थामना है ताकि हम इस मुल्क को आगे इस वबा से निकाल सकें और आगे लेके चलें। बेशक, और मैं एक बार अपील करूँगा, देखिए जो बात हो रही है ना डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें करोड़ों रुपये होगी एक एक महीने की, अगर सिर्फ 100 डॉक्टरों को ही तस्वर कर लिया जाए तो जिस तरह के पे स्केल चल रहा है वो एक अमाउंट है, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर, सफाई करने वाले, नर्सिंग स्टाफ, आप आइए आगे बढ़िए, उनैद भाई से रब्ता करें, हुसैन लखानी ट्रस्ट से रब्ता करें, मशीनें जो परचेस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर विजिट करना है तो अभी यही टाइम है, आएँ जब तक अभी नहीं खुल रहा, 5-6 दिन हैं, विजिट करें, जब मरीज़ अंदर होंगे तो आप अंदर नहीं आ पाएंगे, अपनी आंखों से देखें कि पाकिस्तान का सबसे टॉप लेवल अस्पताल जो कि मरीजों के लिए मुफ्त में खोला जा रहा है उसमें क्या काम हुआ है, स्टैंडर्ड क्या है, मशीनों का स्टैंडर्ड क्या है, सब चीज़ें मुफ्त होंगी। अभी हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि कोरोना का टेस्ट पूरे कराची के लिए यहाँ फ्री किया जाए, अभी हमारी ये मीटिंग चल रही है कि 4,000 रुपये की किट भी अगर आ रही है 8,000 की, हम लोगों से पैसे ना लें ताकि लोग जो पैसों की वजह से टेस्ट नहीं करा पा रहे हो यहाँ की टेस्ट कराएं, मालूम तो कि एक फैमिली में 4 लोगों को कोरोना है, ये ना हो ना एक मर रहा है अगले दिन दूसरा मर रहा है, बेटा मर रहा है, बाप मर रहा है, ये सब ना हो, इस पर वर्क कर रहे हैं। उन्हें तो एक बार फिर आपका शुक्रिया, और मजीद लोगों को आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, आगे बढ़िए, साथ दीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, बहुत शुक्रिया।